पर क्या करें हम, आने का मौका ही नहीं मिलता था। काका भी कभी बीमार नहीं पड़ते क्या आने का बाद। 80 के दशक का एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी भोली भाली मासूम अदाकारी से भारतीय सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। पर गुंजा है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही। 70 और 80 के दशक में भारतीय सिनेमा में पश्चिमी सभ्यता और बाजारवाद बढ़ चढ़कर बोलने लगा था। दर्शक भी सिर्फ मारधार जैसी फिल्मों में अपनी रोचकता दिखा रहे थे। पर तभी एक एक्टर धोती कुर्ता में अपनी देसी बोली में दिखा। तो कौन थे ये अभिनेता, कैसे इस अभिनेता ने भारत की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्म में काम तो किया ही किया और साथ में इस फिल्म के सबसे आइकॉनिक सीन को भी खुद शूट किया। आखिर क्यों इस बेहतरीन एक्टर के 16 फिल्म में एक लंबे सीन को अचानक काट दिया गया। कैसे महज 4 वर्ष की उम्र में 103 डिग्री बुखार पर ना चाहते हुए भी काम किया और उन्हें उस सीन के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। आखिर भारत के पहले प्रधानमंत्री ने इन्हें गोद में लेकर क्या कह दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। वीडियो के अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि अपनी भोली सी सूरत और मोहक मुस्कान के लिए जाने जाने वाले सचिन की जिंदगी में आखिर उनकी बेटी ने क्या गंभीर आरोप लगाए थे। मतलब आप कैसे झेला आपने इतने साल उनको। बॉम्बे की एक कोंकणी फैमिली में 17 अगस्त 1957 को सचिन का जन्म हुआ। इनके पिता शरद पिलगावकर एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, साथ ही साथ एक प्रिंटिंग प्रेस भी चलाते थे। तो सचिन का बैकग्राउंड तो फिल्मी था, तो इसी कारण उन्हें सिनेमा में एंट्री तो महज 3.5 साल की उम्र में मिल गई। एक मराठी फिल्म मेकर थे माधवराव शिंदे, जिन्होंने सचिन को अपनी फिल्म सुनबाई में काम देने के लिए उनके पिता से गुजारिश की, पर कुछ कारणोंवश सचिन को यह फिल्म नहीं मिल पाई। हाँ, तो इसके बाद उनके पिता ने सचिन को फिल्मों में भेजने का मन तो बना लिया, क्योंकि शरद जी खुद प्रोड्यूसर थे, इसलिए उन्होंने सचिन को फिल्में दिलाने के लिए कई फिल्म मेकरों से बात की और सचिन साहब को अपना पहला मौका फिल्म मेकर राजा परांजपे ने किया। परांजपे साहब 1961 में हा मांझा मार्गे एकला नामक एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में सचिन जी को कास्ट कर लिया गया, पर जिस दिन सचिन की शूटिंग होनी थी उस दिन सचिन जी को 103 डिग्री बुखार था, तो महज 4 साल का यह बच्चा शूटिंग करने में असमर्थ था और पिता भी यही चाह रहे थे कि आज शूटिंग कैंसिल हो जाए। पर ये वो दिन थे जब शूटिंग का इंतजाम करना बेहद मुश्किल हुआ करता था। तैयारियां सारी पूरी हो गई थी, अंततः शूटिंग तो करनी ही थी, पर इसे ईश्वर का करिश्मा ही कहेंगे कि जब सचिन को शूटिंग के लिए कपड़े पहनने को कहा गया तो कपड़े पहनते पहनते उनका बुखार कम होने लगा और जब वो शूटिंग पर पहुंचे तो उनका पूरा बुखार खत्म हो चुका था। सचिन ने शूटिंग पूरी की और किसी तरह ये फिल्म बनकर तैयार हुई। इस फिल्म में सचिन की भूमिका को सभी दर्शकों ने खूब सराहा और उससे भी ताजुब की बात तो यह है कि सचिन जी को अपनी पहली फिल्म के लिए बेस्ट बाल कलाकार का नेशनल अवार्ड मिला। सचिन जी खुद बताते हैं कि नेशनल अवार्ड के लिए उन्हें जब स्टेज पर बुलाया गया तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण उन्हें अवार्ड दे रहे थे। उनसे कहा गया था कि अवार्ड लेने के बाद सीधे आप आकर अपनी कुर्सी में बैठ जाइएगा। सचिन ने अवार्ड लिया और सीधे अपनी कुर्सी की ओर चलने लगे। तभी स्टेज पर पंडित जी बैठे हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने देखा कि पंडित जी उन्हें पुकार रहे हैं। सचिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए और पैर छुए। सचिन को पंडित जी ने अपनी गोद में बैठाया और अपने कोट में लगे हुए गुलाब के फूल को निकाला और सचिन की शेरवानी में लगा दिया और कहा, जाओ बहुत नाम करोगे। फिर क्या था, सचिन ने इसके बाद लगभग 60 से अधिक फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। ये फिल्में कभी देव साहब के साथ तो कभी मीना कुमारी के साथ, कभी शम्मी कपूर जी के साथ तो कभी संजीव कुमार जी के साथ। सचिन साहब बताते हैं कि जब वो 7 वर्ष के थे तो उन्होंने लीजेंड गुरदत्त साहब की फिल्म कागज के फूल देखी थी और वो कहते हैं इसी फिल्म को देखकर उन्होंने तय कर लिया था कि वो बड़े होकर बनेंगे तो सिर्फ एक एक्टर ही बनेंगे। और सचिन जी खुद ही बताते हैं कि लगभग 2 साल बाद गुरदत्त जी के ऑफिस से उनके लिए फोन आया
गुरदत्त साहब उनसे मिलना चाहते थे। सचिन के पिता सचिन को लेकर गुरदत्त साहब से मिलने पहुंच गए। भले ही सचिन उन दिनों महज 7 वर्ष के थे, मगर उन्हें फिल्मों की खूब समझ थी। गुरदत्त साहब ने कहा कि मैं हॉलीवुड की फिल्म ओलिवर ट्विस्ट को हिंदी में बनाना चाहता हूँ और सचिन को लेना चाहता हूँ। फिर गुरदत्त साहब ने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम कितने साल के हो? सचिन ने तुरंत जवाब दिया, मैं 9 वर्ष का हूँ। गुरदत्त साहब ने बोला, मेरा ओलिवर तो 11 साल का है। तब नटखट सचिन बगैर कुछ रुके बोल पड़े, तो क्या हुआ, क्या आप मुझे इस फिल्म में नहीं लेंगे? गुरदत्त साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे 11 साल होने का इंतजार करूंगा। गुरदत्त उसके बाद अपनी प्रोडक्शन की फिल्म बहारे फिर भी आएंगी की शूटिंग में व्यस्त हो गए और इस फिल्म के बनाने के दौरान 1964 में गुरदत्त साहब की मृत्यु हो गई। पर समय बीतते कहां समय लगता है, सचिन अब 11 वर्ष के हो गए थे। ऐसे में एक दिन सचिन के पिता शरद जी के पास गुरदत्त के छोटे भाई आत्माराम पादुकोण का फोन आया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आत्माराम पादुकोण अगले दिन सचिन के घर पहुंच गए। उन्होंने ओलिवर ट्विस्ट की स्क्रिप्ट सचिन को दी। सचिन ने जैसे ही पहले पृष्ठ को खोला तो उसमें लिखा था, टू बी मेड विथ सचिन व्हेन 11 ईयर। और तो और ये खुद गुरदत्त साहब की हैंड राइटिंग थी। खैर इसके बाद जब सचिन 17 वर्ष के थे तो उन्हें ऑफर हुई शोले फिल्म। शोले में सचिन ने रहीम चाचा के बेटे अहमद का रोल किया था, पर सचिन साहब के साथ इस फिल्म में बहुत बुरा हुआ। शोले में गब्बर अहमद को तड़पा तड़पा कर मार देता है। फिल्म में सचिन साहब के पकड़े जाने से लेकर उनके मारे जाने तक बड़ा लंबा सीन था। सचिन के साथ ये शूट भी हुआ था। इसकी शूटिंग होने में लगभग 20 दिनों का लंबा समय लगा था। वैसे आपको अच्छी तरह पता होगा कि शोले फिल्म अपने क्लाइमेक्स के लिए बहुत चर्चा में थी। उन दिनों सेंसर बोर्ड क्लाइमेक्स के सीन को हटवाना चाहता था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शोले फिल्म जब रिलीज हुई तो उसका एंड बदल दिया गया था। एक और सीन भी हटा दिया गया था जो कि सचिन का सीन था। इस सीन में डाकू गब्बर सिंह अहमद को बड़ी बेदर्दी से मार देता है। लोगों को लगा सेंसर बोर्ड ने ही ये सीन हटा दिया है, पर बात कुछ और थी। सचिन साहब ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया है, तब उनकी उम्र 17 साल थी और डायरेक्टर रमेश सिप्पी साहब नहीं चाहते थे कि 17 साल के बच्चे के साथ पर्दे पर इतना हिंसक सीन दिखाया जाए। उन्हें लगा दर्शक शायद ये सब सीन पचा नहीं पाएंगे। शायद आपको भी याद होगा कि उस सीन को सिंबॉलिक तरीके से ही फिल्म में दिखाया गया। मुझे जाने दीजिए। फिल्म के बाद सचिन साहब को लोग अहमद के नाम से ही जानने लगे थे। शोले फिल्म से जुड़ा हुआ सचिन का एक और दिलचस्प किस्सा है। फिल्म में सचिन की शूटिंग खत्म हो गई थी, फिर भी सचिन साहब रोज फिल्म के सेट पर पहुंच जाया करते थे। डायरेक्टर साहब शूटिंग करते और वो कैमरे के पीछे जमीन पर बैठकर सारे प्रोसेस को देखा करते। रमेश सिप्पी साहब फिल्म में सब कुछ परफेक्ट चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई टेक्नीशियन टीम बनाई थी जिसका काम था फिल्म के अलग अलग हिस्से को शूट करना और उन्हें दिखाना। उसके बाद जो परफेक्ट होता उसे वो सेलेक्ट कर लेते। कुछ गलती होती तो उस सीन को वो खुद दोबारा शूट करते। सचिन साहब का काम के प्रति लगाव देखते हुए सचिन को ही क्रिएटिव हेड बनाया गया। शोले फिल्म का सबसे आइकॉनिक ट्रेन वाला सीन शूट किया गया और ये सब सचिन की देखरेख में हुआ। जब रमेश सिप्पी साहब ने सीन को देखा तो वो बेहद इम्प्रेस हुए और उस सीन को बगैर कुछ बदलाव किए वैसे ही हूबहू रख लिया। आप सभी ने देखा होगा कि बाल कलाकारों का कैरियर बड़े होते होते खत्म हो जाता है और इसका कारण भी है। उन्हें हीरो के रूप में एक बच्चे को देखना शायद कठिन होता है। उस दौर में भी जूनियर महमूद, मास्टर राजू, अलंकार जोशी जैसे कई बाल कलाकारों ने खूब नाम कमाया, पर बड़े होते होते शायद उन्हें 1-2 फिल्में ही मिली। पर ऐसा सचिन जी के साथ नहीं हुआ। उन्हीं दिनों राशि प्रोडक्शन के राजकुमार बड़जत्या ने
सचिन की एक मराठी फिल्म देखी। यह फिल्म थी अजब तुझे सरकार। उन्हें सचिन का काम बहुत पसंद आया। बड़जत्या साहब सचिन के साथ दोस्ती और प्रेम के विषय पर एक फिल्म करना चाहते थे। उन्हें सचिन साहब इतना पसंद थे कि उन्होंने सबसे पहले सचिन को साइन कर लिया। सचिन के साइन करने के बाद स्क्रिप्ट लिखी गई और फिल्म बनी गीत गाता चल। अरे वाह, जब देखो शर्तें मनवाती रहती हो, इससे तो अच्छा होता कि लल्ला बाबू के साथ तुम्हारी शादी हो जाती। फिल्म में संगीत दिया था रवींद्र जैन साहब ने। फिल्म एक बड़ी म्यूजिकल हिट रही। फिल्म की सफलता के बाद सचिन ने राशि प्रोडक्शन की कई बड़ी हिट फिल्मों में काम किया। उन्हीं दिनों केशव प्रसाद मिश्रा के उपन्यास कोहबर की सर से प्रेरित होकर राशि प्रोडक्शन ने एक फिल्म बनाने की योजना बनाई। नाम रखा गया नदिया के पार। इस पारिवारिक फिल्म में सचिन साहब लीड रोल में थे। यह फिल्म जब आई तो उत्तर प्रदेश बिहार में एक बड़ी हिट साबित हुई। यह बहुत छोटे बजट की फिल्म थी और बजट से कई गुना ज्यादा इस फिल्म ने पैसा कमाया। इस फिल्म के रिलीज के बाद सचिन का चेहरा अब सभी का चहेता चेहरा हो गया था। सचिन को लोग चंदन के नाम से जानने लगे थे। अब इस फिल्म की सफलता का अंदाजा तो हम यहीं से लगा सकते हैं कि सलमान साहब के कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म की न्यू यही फिल्म बनी। नदिया के पार फिल्म रिलीज होने के 10 वर्षों बाद राष्ट्री ने इसे बड़े बजट पर सलमान खान को लेकर बनाने की योजना बनाई। रही बात नाम की, तो नदिया के पार फिल्म के एक डायलॉग को ही फिल्म का नाम बना दिया। फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन। ताराचंद बड़जत्या आश्वस्त थे कि फिल्म हिट होगी और फिल्म जब पर्दे पर आई तो पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया भर से गजब के रिस्पॉन्स मिले। यहां तक कि 16 फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हम आपके कौन फिल्म भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। तो अगर सचिन साहब की एक कलाकार के रूप में बात करें तो उनकी सफल हिंदी फिल्में थीं गीत गाता चल, अखियों के झरोखे में, गोपाल कृष्ण, नदिया के पार, सत्ते पे सत्ता। और तो और सचिन साहब ने 15 से अधिक मराठी फिल्मों में डायरेक्शन भी किया। इन मराठी फिल्मों की सफलता को देखते हुए डायरेक्टर सुभाष घई ने अपनी कंपनी मुक्ता आर्ट के तहत हिंदी फिल्म डायरेक्शन में इन्हें डेब्यू कराया। तो इनकी फिल्म थी प्रेम दीवाने। इस फिल्म में जैकी दादा, विवेक मुसरान, माधुरी दीक्षित जैसे बड़े कलाकार थे, पर यह फिल्म सफल नहीं रही। सचिन मराठी सिनेमा की तरफ फिर लौट गए। इसी दौरान सचिन के जीवन ने एक नया मोड़ लिया। जब वो अपनी अगली मराठी फिल्म नवरी मिले नवरयाल बना रहे थे तो उन्हें एक हीरोइन की तलाश थी और उनकी ये तलाश पूरी हुई नई नवेली सुप्रिया सबनिस पर। फिल्म की शूटिंग के दौरान सचिन को सुप्रिया से प्यार हो गया। धीरे धीरे फिल्म की शूटिंग खत्म हो रही थी पर सचिन अपने प्यार का इजहार कर ही नहीं पा रहे थे। दरअसल सुप्रिया सचिन से 10 वर्ष छोटी थी। किसी तरह सचिन ने सुप्रिया से अपने प्यार का इजहार किया। सुप्रिया ने हाँ भी कर दी और साथ ही कहा, मुझे लगता था कि आप शादीशुदा हैं। पर सुप्रिया के घर वालों ने शादी से साफ इनकार कर दिया। इसका कारण यह भी था कि उस समय सुप्रिया महज 17 वर्ष की थी। थोड़ी बहुत खटपट के बाद सचिन ने सुप्रिया के घर वालों को मना ही लिया। सुप्रिया जब 18 वर्ष की हुई तब उन दोनों ने शादी कर ली। अगर तुम्हें मनचाह पर मिल जाए तो हमें तो सब कुछ मिल जाएगा। सचिन और सुप्रिया आज भी एक बेहतरीन जोड़ी की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और तो और सचिन साहब आज भी मराठी और हिंदी सिनेमा में एक्टिव हैं। एक दिन तो रंगना ही है, ना जाते गए हो। आपको 2018 की हिचकी फिल्म तो याद ही होगी। रानी मुखर्जी के पिता का रोल इन्होंने ही किया था और फिर एक मराठी फिल्म रणागण में भी ये दिखे। सचिन और सुप्रिया के एक बेटी भी है, नाम है श्रेया पिलगावंकर, जो कि अपने माता पिता की तरह एक एक्ट्रेस है जिन्होंने शाहरुख खान साहब की फिल्म फैन से डेब्यू किया और आपने उन्हें अमेजॉन प्राइम की चर्चित फिल्म मिर्जापुर में स्वीटी के रोल में देखा होगा। तुमको समझ में नहीं आता है मुन्ना? नहीं स्वीटी, हम सॉरी, हमारी तरफ से ना है। पर सचिन साहब की बेटी से जुड़ा
एक विवाद उनके जीवन में बेहद गंभीर रहा। अपनी बेटी श्रेया के जन्म से पहले साल 1988 में उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया, जिस बच्ची का नाम था करिश्मा मकनी। बताते हैं कि कुछ वर्षों बाद करिश्मा अपने बायोलॉजिकल माता पिता के पास वापस चली गई थी और युवा होने पर करिश्मा फिर एक बार भारत वापस आई और सिनेमा जगत में किस्मत आजमाने लगी। तभी साल 2005 में सचिन और सुप्रिया ने नच बलिया रियलिटी शो में हिस्सा लिया। और उस रियलिटी शो के वो विजेता भी रहे। बताते हैं शो के दौरान सचिन साहब ने कहा था कि उनकी एक बेटी भी थी जिसे उन्होंने गोद लिया था, पर उनके बायोलॉजिकल माता पिता उसे चुपके से मेरे पास से ले गए। इस खबर ने तूल पकड़ लिया। करिश्मा मकनी के सामने भी ये बात आई और उन्होंने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता कुलदीप मकनी और सचिन जी अच्छे मित्र थे, तभी मेरे पिता ने मेरी देखभाल के लिए मुझे सचिन जी के पास रहने को भेज दिया। ये कोई लीगली एडॉप्शन नहीं था। सचिन जी और सुप्रिया जी के उस समय कोई बच्चा भी नहीं था। कुछ वर्षों बाद करिश्मा की माँ की बीमारी ठीक हो गई और उन्हीं दिनों सचिन और सुप्रिया के भी एक बेटी हो गई थी। सचिन ने खुद कहा कि करिश्मा अब तुम अपने माता पिता के पास चली जाओ, और करिश्मा अपने माँ बाप के पास चली गई। फिर जब बड़ी हुई तो सिनेमा में किस्मत आजमाने के लिए एक बार फिर भारत आई, पर सचिन और सुप्रिया जी का व्यवहार अब करिश्मा के साथ पहले जैसा नहीं था। सचिन को लग रहा था कि करिश्मा उनके नाम का इस्तेमाल कर रही हैं और फायदा उठाकर वे फिल्में पाना चाह रही हैं। हाँ, सचिन जी ने इन सभी इल्जामों पर कोई सफाई कभी नहीं दी, पर उनकी भोली भाली मुस्कुराती छवि पर कुछ न कुछ इन सब बयानों से असर जरूर पड़ा। तो दोस्तों, सचिन जी के बारे में बताई गई ये रोचक बातें आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और सचिन जी का नाम लेते ही आपको इनकी कौन सी फेवरेट फिल्म याद आ जाती है। वैसे मेरी फेवरेट फिल्म नदिया के पार है, और आप बताइएगा नदिया के पार में इनका क्या नाम था। साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि इनके साथ काम करने वाली एक्ट्रेस का उस फिल्म में क्या नाम था। और अगर आपको ये छोटा सा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ लाइक हमारे 10-15 मिनट के वीडियो में की गई 20 से 30 घंटों की मेहनत को आपके द्वारा दिया हुआ एक पुरस्कार होता है। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपका एक एक व्यू हमारे और हमारे परिवार की किसी न किसी तरीके से आर्थिक मदद करता है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।